मुजफ्फरपुर में रहशा कुरानी गिरोह का आतंक, दो लोगों को निशाना बनाया, बेहोश करने के बाद सड़क किनारे फेंका। मुजफ्फरपुर में पोखर में डूबने से बच्चे की मौत, खेले के दौरान पैर फिसलने से डूबी, घटना से वक्त कोई नहीं था मौजूद। मुजफ्फरपुर में प्लास्टिक डब्बा फैक्ट्री की हाई कॉम्प्रेशर मशीन ब्लास्ट, मशीन की पार्ट्स उड़कर दूसरे घर की छत पर गिरे, तीन मकान हो गए क्षतिग्रस्त। यूक्रेन में फंसे भागलपुर के शुभम की याद भी थी, पैक फूड के दाम दो तीन गुना बढ़े, बिस्किट और चिप्स खाकर गुजर कर रहा एक एक पल। कोरोना मुक्त जिला बनने की राह पर मुजफ्फरपुर, दो दिनों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं, अब सिर्फ तीन एक्टिव केस रह गए। न्याय सिंह राठौर का नया पॉलिटिकल सटायर, किसानों के जरिए मंत्री विधायक पर निशाना, बोली किसानों का दर्द केहू बूझे नहीं। बांका में दहेज के लिए विवाहिता को जिंदा जलाया, मृतका के भाई का आरोप, अक्सर दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे ससुराल वाले। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी मंत्री पद से देंगे इस्तीफा, एनडीए की बैठक में जमकर निगाली भड़ास, सरकार में अफरजशाही का लगाया आरोप, बीच बैठक से बाहर निकले। रूस के हमले से 93 दिन पहले पहुंचा छात्र फंसा यूक्रेन में, एमबीबीएस की पढ़ाई करने गया था, बघा के सुधाकर का घर वाले से संपर्क टूटा। ट्रक के पहिए में फंसा बाइक सवार, दर्दनाक मौत, करीब 50 मीटर तक ट्रक घसीटता रहा, ड्राइवर मौके पर से फरार। जहानाबाद में युवक को अपराधियों ने मारी गोली, घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे सभी बदमाश, विरोध करने पर फायरिंग। खगड़िया में ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, ऑटो में दो मजदूरों की हालत गंभीर, रोजगार के लिए जा रहे थे ट्रेन पकड़ने। नालंदा में दुकान से 10 लाख के सामान की चोरी, चोरों ने मोबाइल दुकान का शटर उखाड़ा, कारोबारियों में आक्रोश। शेखपुरा में 8 पुलिस कर्मी को किया गया सस्पेंड, वसूली करने के आरोप में एसपी ने की कार्रवाई, 4 होमगार्ड को बर्खास्त भी किया जाएगा। औरंगाबाद में दीवार काट 6 लाख की ज्वेलरी उड़ाई, व्यवसायियों ने पुलिस गश्ती को बताया खाना पूर्ति, गश्ती दल बढ़ाने की मांग की। यूक्रेन में बिहार के छात्रों को खाने के पड़े लाले, पीने का पानी भी मिलना मुश्किल है, कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से स्टूडेंट्स हैं परेशान। गया में सगे चाचा ने भतीजे से किया था रेप, दो दोस्तों के साथ घर से बच्ची को उठाकर ले गए, छोड़कर हुए थे फरार। यूपी के मुगलसराय से पटना का कुख्यात शंकर यादव गिरफ्तार, 2019 में रवि की हत्या के बाद से था फरार, 50,000 का इनामी। मुजफ्फरपुर में मवेशी को बचाने में जिंदा जला अधेड़, इलाज के क्रम में एसकेएमसीएच में हुई मौत, मवेशी को नहीं बचा पाया। खगड़िया में फिर मिले दो जिंदा बम, बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज, दो गिरफ्तार, दो दिन पहले 4 ब्लास्ट में 12 हुए थे घायल। एसटीडी 2019 कैंडिडेट्स का सचिवालय के पास हंगामा, पुलिस के सामने चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, आत्मदाह करने की दी धमकी, फिर गए थे थाने। आरोपी को पकड़ने गए एएसआई को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, समस्तीपुर में हत्या के विरोध में हुआ था सड़क जाम, इसी मामले में गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी पुलिस। भोजपुर में दुकानदार ने की खुदकुशी, पत्नी से चल रहा था विवाद, मामला सुलझाने के लिए गांव में पंचायत भी बैठी थी। फ्लाईओवर से नीचे गिरी पिकअप, हाई टेंशन तार पर लटकी, मधुबनी में पुल पर चढ़ती ही अनियंत्रित हुई वैन, 3 घंटे तक ट्रेनों का आवागमन रहा बाधित। बिस्तर पर लेटी थी बहू, नशेड़ी ससुर ने दी गाली, नवादा में बहू ने गाली सुनते ही पुलिस को कर दिया कॉल, ससुर को भिजवाया थाने। पटना में 3 भतीजों ने चाचा को गोलियों से भुना, इलाज के दौरान एम्स में हुई मौत, पहले से जान लेने की देते थे धमकी। हर महीने 10 करोड़ की शराब भिजवाने वाला गिरफ्तार, हरियाणा के तस्कर को बिहार पुलिस ने किया अरेस्ट, एम्बुलेंस से करता था शराब की सप्लाई। समस्तीपुर के दल सिंह सराय में सड़क दुर्घटना, अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी ऑटो, बाल बाल बचे सवार, 4 घायल। छपरा में दीवार गिरने से अधेड़ की मौत, कपड़ा आयरन कर रहे शख्स पर गिरी दीवार, इलाज के लिए पटना रेफर, रास्ते में दम तोड़ा। गया में सगे चाचा ने भतीजे से किया था रेप, दो दोस्तों के साथ घर से बच्ची को उठाकर ले गए, छोड़कर हुए थे फरार। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।